प्रॉब्लम हमने पढ़ी, वैसे के वैसे आर हैंड प्रॉब्लम है। अब सेम वही घड़ी, जैसे मिनट हैंड था, इस बार मिनट हैंड की जगह क्या है, आर हैंड। आर हैंड थोड़ा सा छोटा होता, ये ओ ए, ये आर हैंड। आर हैंड मीन्स घंटे वाली सुई। अब ये आर हैंड है, जब भी ये घूमेगी तो ये भी किस फॉर्म में घूमेगी, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूमेगी। तो ये भी क्या बनाएगी, सर्कल। तो वही पहला रूल, वही जो इसकी लेंथ होगी वो क्या बताएगा, लेंथ ऑफ आर हैंड किसके बराबर, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं, अंदर वाले, रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहला रूल इसका भी वही, उसका भी वही। तो मिनट हैंड की भी जो लेंथ होती है वो भी रेडियस बताती है, इसकी भी जो लेंथ ईयर होगी वो क्या बताएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। सेकेंड, अब एक चीज बताइए, अब ये सिक्स में आर एंड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर एंड 360 डिग्री कब तक घूमेगी, आराम से सोचिए। अभी 6, फिर 7 बजे, फिर 8 में, फिर 9 में, 10, 11, 12, सुबह जब 6 बजे वापस से आएगी, या शाम को अगर स्टार्ट की तो सुबह, सुबह स्टार्ट की तो शाम को 6 बजे, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री। इन 12 आवर्स आर हैंड मेक, आर हैंड कितना बनाएगी, 360 डिग्री। बताइए इन वन है, वन आर, वही ज्यादा से कम में जा रहे, क्या करेंगे, डिवाइड 12 3 36, कितना डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री। अब हमको एक घंटे का भी नहीं चाहिए, एक घंटे को क्या लिख सकते हैं, इन एक घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। इसका मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इन वन मिनट आर हैंड मेक, आराम से बताइए फिर से, वही 60 का दे रखा है और 1 का निकालना है, ज्यादा का दिया कम का निकालना, फिर डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाय 60 कितना, हाफ। तो याद रखने वाली बात क्या है, इन वन मिनट आर हैंड मेक कितना डिग्री, हाफ डिग्री। तो ये है जनरल रूल, पूरा वापस से देख लेते हैं। मिनट हैंड और आर हैंड जब भी क्वेश्चन आएंगे, जो लेंथ होगी वही रेडियस बन जाएगी दोनों में। मिनट हैंड वाले केस में 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। आर हैंड वाले केस में 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ डिग्री घूमती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एंड आर हैंड वही किसके बारे में बात चल रही है, आर हैंड के बारे में बात चल रही है। ये आर हैंड है आपका, आर हैंड लेंथ कितनी देर की, 5 मीटर। फटाफट से बताइए सॉल्यूशन, जो लेंथ होती है वही क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर हैंड ऑफ क्लॉक किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, कितना देखा, 5 मीटर। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। चलो रेडियस पता चल गई, कितने मिनट के अंदर, 7। अब मिनट हैंड की बात चल रही, आर हैंड की बात चल रही, तो इन वन मिनट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इन वन मिनट आर हैंड कितना रिवॉल्व करती है, आर हैंड मेक हाफ डिग्री, लीजिए भाई। तो कितने मिनट की बात चल रही है, इन 7 मिनट, 7 मिनट में आर हैंड कितना बनाएगी, हाफ इंटू 7, तो कितना, 7/2 डिग्री, 3.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो चल दीजिए। अब क्या बनाएगी, इधर देखिए, 7 मिनट मतलब लगभग ऐसा यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये क्या बनेगा, वापिस से क्या बनेगा, ये पोर्शन फिर से सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर हैंड इन 7 मिनट्स, 7 मिनट में कितना, वही सेक्टर बन रहा है, तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट से, रेडियस की जगह रेडियस आपका 5 × 5 × थीटा की जगह 7/2 और 360 इधर, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 इंटू 5 इंटू 5 25, 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पर, डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसका आंसर
कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। अब ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेंट सबसे पहले तो क्वाड्रेंट क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, ये रहा क्वाड्रेंट, इसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कैसे एरिया ऑफ सर्कल होता था पाई आर स्क्वायर, उसका कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, ये रहा। वापस से प्लीज फॉर्मूले के लिए रेफर कीजिए, ऊपर आई कार्ड में या नीचे लिंक में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये फॉर्मूला वाला पूरा पूरा एक वीडियो बना रखा है मैंने कि कैसे कैसे फॉर्मूले उनको लर्न कीजिए। तो यहाँ पे 1/4 22/7 रेडियस। अब रेडियस नहीं पता, रेडियस के लिए आपको कुछ देर का पढ़िए, उस क्वाड्रेंट की जिसका सर्कमफेरेंस, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पढ़िए, सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22, फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22, रेडियस इज इक्वल टू 22 × 7/2 × 22 कैंसिल, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, दिस इज अवर रेडियस। अब रेडियस आ गई, वैल्यू पुट कर लीजिए, 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11/7 = 77/8, 8 × 9 = 72.6, 2 × 5 × 9.625 cm² is the answer। So friends, question number 9, most important question है, एक rectangle है, A B C D is a rectangle, A B 10 cm breadth, रेडियस। अब बोला है कि इसके जो चारों वर्टेसेस हैं, चारों वर्टेसेस पे एक सर्कल खींचे गए जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5। अब आपको बताना है शेडेड रीजन क्या है। अब ध्यान से सुनिए, शेडेड रीजन निकालने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, बड़ा क्या है पूरा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी में से किसको माइनस कर दो, ये चार क्या है। अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल चारों एंगल कितने डिग्री पे होते हैं, 90। अगर 90 है, ध्यान से देखिए ये बढ़ते आ रहे, अगर 90 डिग्री पे है तो क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से कितने को माइनस करो, चार क्वाड्रेंट को, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, लीजिए हो गया। तो क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरे में से चार क्वाड्रेंट को माइनस कर दिया, तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर, ये तो हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, पर हैं कितने, चार हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, लो वैल्यू पुट कर लो, लेंथ 10, ब्रेथ 7, 4 से 4 कैंसिल, चार क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाएंगे, पाई की जगह 22/7, रेडियस 35/10 × 35/10 लीजिए। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं अलग से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं। आप डायरेक्टली अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 70 − 7552 × 11, 11 × 35/10, 11 से मल्टीप्लाई करा, 583/10, 70 − 38.5 1 cm², 31.50 लगा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, 31.5 cm². तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस प्रकार के जो शेडेड क्वेश्चन हैं, तो इसमें एक जनरल रूल याद रखना, बड़े में से छोटे वाले को क्या करना है, माइनस करना। आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और मेन मेन क्वेश्चन जो आज हमने पढ़े, आर हैंड वाले, उसके बाद ये शेडेड रीजन वाले, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।